नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज धरना का दूसरा दिन है। आज इस दूसरे दिन मैं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा और यहां जितने भी लोग आए हैं ग्राम प्रहरी उत्तर प्रदेश से, कि उनको कल से लेके आज तक उनको कैसा लगा माहौल और क्या उनके साथ कल से लेके आज तक कौन सी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ा, इसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। हालांकि अभी सुनने में भी आया है कि जो भी धरना का परमिशन कराया गया था शायद कुछ ही देर में इसको स्थगित भी किया जा सकता है। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कल से लेके आज तक की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका अनुभव समस्त ग्राम प्रहरियों ने किया। हमेशा आपको ज़मीन की हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ चौकीदार के अलावा भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, श्रीमान पासवान जी हमारे पास में खड़े हैं और पास में गंगाराम पासवान खड़े हैं। गंगाराम जी से निवेदन करूंगा कि सामने आ जाए। मैं आज इन लोगों से कुछ सवाल जवाब करूंगा और जो बात करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, सभी लोग सुनेंगे और अगर गलत कहूं तो मुझे बोलना, अच्छा कहूं तो समर्थन देना। तो सबसे पहले धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे चैनल। धन्यवाद कि जो हम लोगों का बात आपने पहुँचाने का कार्य करते हैं। कल से आए हैं, क्या अनुभव आपको मिल रहा? देखिए, कल से हमारे भाई थे लोग, कहे लोग कि कल के डेट में पैदल यात्रा है 21 तारीख में, कल ही हम निकलवाने वाले थे, जिसमें हम लोग के बड़े भाई एक गार्जियन स्वरूप गंगा भैया जी हैं, जो आज सुबह से जो परमिशन लिया है वो लोग सुबह से दिखाई नहीं दिए। जो गंगा भैया आज सुबह से लोगों के बीच डटे हुए हैं और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, जो कि आपने खुद देखे होंगे कि एक ही दिन में जब लेटर जाता है तो गृह सचिव की है, एक ही दिन में जो भी फैसला आता है और शासन चाहे जो भी आ जाता है। अब 2 दिन हो गया, 3 नेता ले चले गए हैं, कोई कह रहा है कि पैसा ले लिए, कोई कह रहा है कुछ कर लिए, तो ये चीज़ को हम नहीं कह रहे हैं, कुछ हमारे चौकीदार भाई लोग बोल रहे हैं और ऐसे साबित जब ये लोग भगे रहेंगे तो साबित तो हो ही जाएंगे। तो वह उसी दिल्ले के लिए हम लोग हैं और हमारे भाई हैं, इनसे भी कुछ पूछ लीजिए कि जो ये भी तन धन और धन के साथ आए थे। गंगाराम भाई, आपका क्या विचार है, आप कल से अनुभव क्या कर पा रहे हैं आप? अनु भाई, पहले तो आपको चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप इतनी लगन और इतनी मेहनत से हम लोगों के साथ डटे हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने ग्राम प्रहरी साथी हैं जिस तरह से यहां परेशान हो रहे हैं, ये हमारे बीच के जितने नेता हैं ये सुबह से जो है आ करके इको गार्डन में बैठा करके ये गायब हो चुके हैं। इससे तो लगता है कि चौकीदारों के साथ छलावा किया जा रहा है। क्या लगता है मन में, पूरी बात कहिए, पूरी बात कहिए। तो उसमें देखिए, जैसे 5 आदमी की टीम वहाँ बुलाई जाती है, बुलाई नहीं गई लेकिन ये लोग भी फिर भी कहे कि मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो हमें तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि जैसे कुछ लेन देन की बात हो और मेरी मांग डील हो जाए और हम जो है खर्चे पा जाए, अपने घर वापस चले जाए। अभी आपके बीच में एक पत्रकार आए थे जी, 24 मीडिया से हमारे बंधु जेफ जी, एक बात बहुत अच्छी बोल के गए जी कि नेता चुनिए डीलर नहीं जी। कितनी बढ़िया बात कही है, बहुत बढ़िया। डीलर का मतलब आप समझते हैं? डीलर का मतलब एक सेलर होता है, लेने वाला पैसा, दलाल हिंदी भाषा में। अगर जो चक्कर में फंसेगा वो तो कटेगा, तो कटेगा क्यों नहीं कटेगा। ऐसे नेता को हम लोग बहिष्कार करेंगे जो चौकीदार के हित का काम करेगा, जो अन्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। सारा चौकीदार हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदार उसी के साथ रहेंगे। अगर जो इन चौकीदारों के साथ छलावा करेगा, धोखा करेगा, गद्दारी करेगा, वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी जान क्यों ना चली जाए, जो कहना है मैं खुल के कहूँगा। चौकीदारों की हिंदी लड़ाई, अब हम उन लोगों को ये लगता है कि जितने भी हमारे ग्राम प्रहरी हैं सबको एक साथ मिल के लड़ने की जरूरत है, नेता लोगों को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। शंका की विषय बन रहा है जो 5-6 आदमी का कमेटी से नाम जाता है, जिसमें 2 ही 3 लोग गए, कौन कौन लोग हैं, गए हैं कि नहीं गए हैं पता नहीं, गए हैं कहीं नाम तो इस पर विश्वास रहता है, चाहे अनेक भाई कोई भी जा सकता है। कल दाम भी लुट हुआ था 6 आदमी का,
तो जिसमें कोई बात भी नहीं बताया गया कि हम गृह सचिव के पास जा रहे हैं, चाहे सरकार से भेंट करने जा रहे हैं, जो भी है। तो इस तरह से ये लग रहा है, छल हो रहा है कि ऐसा ना हो कि जो भैया बोले हैं वही बात सत्य हो जाए कि पैसा का लेन देन हो जाए। यही हो रहा है, यही हो रहा है। सभी लोग आप देख रहे हैं कि जो यहाँ की एक सच्चाई है, हम प्रयास ये कर रहे हैं आपको आपके ही समस्त ग्राम प्रहरियों से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भैया हम तो लास्ट में पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन जो बात है उसको बोलना भी हमारा काम है, प्लस लोगों की सुनना भी हमारा काम है जो कि हमें ये इजाज़त देता है। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे बगल में वर्दी पहनकर हमारे दिलदार खान खड़े हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हमको तो खुद ही यही महसूस हो रहा, हम 93 और 92 से चौकीदारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 93 और 94 में हम जिला अध्यक्ष भी रहे, मगर आज तक ये लड़ाई सफल क्यों नहीं हो रही है, हम इस बात के बारे परेशान हैं। कारण क्या सुरेंद्र भाई, कारण क्या? सबसे पहले मैं आपके चैनल प्रणाम करता हूँ। देखिए सर, हमारे जो भी इसमें नेतृत्व में किए थे वो उनका पता नहीं चल रहा है, कोई कह रहे हैं कि गए हैं वहाँ ग्रस्त वार्ता करने के लिए, कोई कुछ, लेकिन हम लोग को जब नहीं भी बताए हैं तो उन्हें क्या हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग तब से परेशान हैं, यहाँ हम लोग को वेट किया जा रहा है, लेकिन हम लोग गायब हैं, अब समझ नहीं मिल रहा है कि हम लोग क्या करें। हम सभी भाई कहना चाहते हैं थोड़ा देर और वेट करिए, देख लीजिए क्या होता है, अगर हम लोग कुछ आश्वासन मिलता है, अगर कोई अधिकारी आता है तो ठीक है, नहीं फिर अपना सब समझ बुझे काम करेंगे कि आगे हम लोग क्या क्या करना है। अच्छा, एक बात पते की करूँगा आप सबके बीच में, पहले तो मैं दिलदार खान की 2 मिनट बात सुन लूँ, उसके बाद मैं मुख्य रूप से सुरेंद्र भाई और सुरेमान पासवान और प्लस हमारे गंगाराम जी को भी बुला लीजिए, कहाँ इन तीनों लोगों से आज मैं, आप या तो मन में अभी सोच लीजिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आज आप तीनों लोगों को कारण बताना पड़ेगा कि चौकीदारों का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग खड़े हो जाइए इधर और आपको बताना पड़ेगा तीनों लोगों को, और आज जो भी है आज यही सत्य यहाँ पर उगलना है कि इसके कारण क्या, क्यों ऐसा हो रहा है कि चौकीदार का आज तक समाधान नहीं हुआ, आप बताओ। हम तो यही देखते हैं, मायावती की भी सरकार थी, मुलायम सिंह भी रहे, कभी 5 आदमी कभी 4 आदमी बुला लिए जाते हैं और उसके बाद में कुछ पता नहीं चलता, पैसा बढ़ा है या नहीं बढ़ा, साइलेंट हो जाते हुए पे लोग। उसके बाद में पैसा आज तक नहीं बढ़ा, हम 97 और 93 से लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय हमारी लड़ाई सुनील सिंह यादव, राम नरेश यादव, ये सब अवधेश यादव, ये हमारी लड़ाई लड़ा करते थे। पता नहीं कितने नेता आए चले गए, मगर हम लोगों को यही पता नहीं चलता कि हमारे लोगों का पैसा बढ़ता क्यों नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच योगी जी आए, पैसा भले ही ना बढ़ाए, नहीं क्षमता ना बढ़ाए, मगर हम लोगों का हालात तो आके देख ले, पूछ ले क्या बात है, मुंह नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, है ना। हाँ, लेकिन नेता हमारे जितने भी हैं, चाहे वो हमारे बीजेपी के नेता हों, हम बीजेपी तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ विपक्ष के नेता भी नहीं आना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते बैठे बैठे, फलाने ने ये किया। अभी एक हाल में एक मुद्दा हुआ था, एक जरा सा मुद्दा, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बड़ा प्यार से उसको ट्वीट कर दिए, ये चौकीदार मरे जा रहे बेचारे भूखे प्यासे कल से पड़े हुए हैं। अब अखिलेश जी को भी नहीं दिख रहा, कांग्रेस को भी नहीं दिख रहा है, मायावती कहाँ गई, जो जबकि इस विभाग में 80% से ज़्यादा यहाँ पर हमारे दलित बंधु हैं। अब दलित की राजनीति करने वाले वो नेता किधर घुसे भाई, इसीलिए तनख्वाह बढ़ रही इसकी, यही कारण है, यही कारण है। लोगों को पैसा बढ़ जाएगी, इन्हें शिक्षा मिल जाएगी, ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे। आप जब शिक्षित बन जाओगे तो जाहिर सी बात है फिर आप टिकट लेकर के चुनाव लड़ोगे। हाँ। जब चुनाव लड़ोगे तो वो यही कहूँ मैं, जो कट्टर टाइप के लोग हैं वो कहेंगे नहीं ये व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये तो फिर सब कुछ अपना ही अपना पक्ष में कर लेगा, जैसे मायावती जीती थी तो उस समय भी ये कहा जा रहा था अरे ये तो दलित की है, ये पंडित ठाकुर बामन, बुरा न माना जितने भी जनरल कास्ट के हो, एक बात हमेशा याद रखना, सत्य में अगर चाहे वो जनरल हो, OBC हो या SC, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है तो आप पाखंडी हैं। इस माइक पर बोल रहा हूँ, इसमें हमेशा बोलता हूँ, अब आप लोग बताइए कारण क्या है, ये क्यों नहीं होता, इतने सालों से हो रहा है। अब तो गए हैं लोग और ये कभी भी धरना हुआ है तो छह लोगों की कमेटी बनती है और पूरे नौजवान साथी बताएं, थोड़ा तेज बोलिए, राय से बनता है, तेज बोलिए, सबके राय से बनता है, सबके सहमति से बनता है, उसमें लोग बताते हैं कि अच्छे हैं बुरे हैं, किसी के भरमावे में नहीं, तो 6 आदमी को चुनकर भेजा जाता है। कल भी लिस्ट गई है, 6 आदमी की लिस्ट गया है जिसमें शायद अगर जो लोग गए हैं वो लोग को कल नाम था नहीं था, था पता नहीं देख लीजिए तो नहीं था, बाकी था, बाकी 3 आदमी जो गए हैं लोग
अब हमारे चौकीदार भाई अब ये हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर में वो लोग क्या डिलीट कर रहे हैं। अब हमको ये लग रहा है कि आने के बाद यही कहेंगे लोग कि काम अब देखिए पूरा हो गया और ये सरकार ये बात आप ना बोलिए टाइम लिया है बोलना यही विकल्प होता है। तो हम लोग इसे साबित करेंगे कि ये लोग हम लोग के साथ घात कर रहे हैं, चाहे पैसे पर डीलिंग करें लोग, चाहे जैसे कर लोग। जब हमारे बीच में हमारे बीच के भाई नहीं जाएंगे तो हम लोग तो ये जरूर सोच रखेंगे ना। हाँ, अगर कोई भाई जाता चौकीदार में का साधारण आदमी, चाहे सुरेंद्र जी हैं, चाहे गंगा जी हैं, चाहे कोई भाई जाता, तो हम कहते कि चलिए भाई दो आदमी खराब है तो एक आदमी हमारा भाई गया है, ये गद्दारी नहीं करेंगे। और सुरेंद्र तो, भाई आप एक बार बता दो ये मतलब भाई देखो श्रीमान जी ने तो कारण बता ही दिया है, ये कौन सी मजबूरी है कि जब चार लोग जाते हैं तो ग्राम प्रहरी को क्यों नहीं ले जाया जाता? देखिए हम जितना बार आए हैं यहाँ ग्रस्त द्वारा आता है, कोई ना कोई अधिकारी आते हैं तो हम लोग चार पांच लोग को जीप सरकारी जीप में बैठा के लेकर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, वहाँ जो भी वार्ता करते हैं हम लोग मांग मांग पत्र लेते हैं, वहाँ से लाख छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये लोग कहाँ गए हम कुछ पता नहीं से निकलता है। और जो कह रहे हैं कि मतलब वेतन है क्यों बढ़ा रही है, इसमें कारण है कि 70,000 ग्राम प्रहरी सब लोग इकट्ठा होते नहीं है, हमारे भाइयों के गुट है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसीलिए कुछ नहीं पा रहा है। मेन जो समस्याएं आ रही हैं वो संगठन को लेकर आ रही हैं कि विभाजन जो बहुत ज़्यादा है। देखिए अभी हम लोग ग्रुप है, ग्रुप में बात कर मैंने किया जा रहा था कि सारे संगठन एक होंगे, सब लोग किसी का बंधन है कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा, सब एक होकर अपना मान रखेंगे और इसके बाद भी हमारे ग्राम पर चौकीदार इकट्ठा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपको बता दूं कि ये जब वार्ता ग्रुपों में चल रही थी तो मुझे भी लगा कि मैंने कहा चलो भैया हमसे भी कहा गया, हमने कहा चलो यार ये तो बहुत खुशी की बात है कि भैया एकता हो रही है, लेकिन जब मैं कल आया मैं यहाँ भीड़ देखा तो मेरे को ये टेंशन हुआ, मैं कहा यार दिल्ली में तो इससे ज्यादा चले गए, लखनऊ में क्यों नहीं है? बता दे रहे हैं आप भैया कि देखिए जब सारे ये संगठन कैसे एक, हम नहीं मानेंगे, जितना पहले भीड़ हो रहा था अभी अभी भी है, सारे लोग कहते हैं संगठन एक बजन तले आओ, अब एक बजन तले आए तभी यही हाल है, ग्राम प्रहरी हमारे आते नहीं है, तो अब अलग संगठन हो एक हो इससे कोई मतलब हमारे ग्राम प्रहरी घर छोड़ा ही नहीं चाहते हैं। आज झाड़े कल, 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 कल से जिस हिसाब से नेतृत्व लोग कर रहे हैं, जिस हिसाब से माहौल बनाया गया आज तक, उस हिसाब से क्या लगता है कि आपकी आज आवाज पहुंची होगी कि नहीं? हमें तो उम्मीद नहीं है कि आवाज पहुंचे क्योंकि हमारे वही गायब है। आगे की कोई प्लानिंग? आगे की प्लानिंग फिर अपने भाइयों समझ बुझे करेंगे, हम लोग आवाज देखते हैं, अगर सभी लोग आए तो रुकेंगे घर जाएंगे। हमारी एक छोटी सलाह अगर आप लोग मान लें, दोनों लोगों से बोल रहे हैं जी बताइए, सलाह हमारी ये है कि एक बार हमारे कहने पर आप दो तीन चार लोग मिलकर के 75 जनपदों में धरना एक समान और एक डेट पर करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री मिलते नहीं है, कुछ पाठक और तमाम मिले हैं और ज्ञापन भी गया है, लेकिन सरकार हम लोग को सुनना नहीं चाहिए, सुन नहीं रहे, यही बात है। सरकार हम पैसा नहीं पड़ता नहीं तो सरकार कुछ भी आप ये बताइए तो प्रयास या तो ये करिए दो चार पांच लोग मिल करके योगी जी से मिलने का प्रयास करिए, डायरेक्ट वार्ता करें। कई बार हम लोग गए लेकिन योगी बाबा मिलते नहीं है, बोलते हैं कहीं गए हैं, कहीं दूसरे कहीं दिल्ली गए, मतलब तरह लोग बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं मिले? नहीं, केशव प्रसाद से मुलाकात हुआ है, मुख्य रूप से 5 मिनट तक वार्ता हुआ है, उन्होंने हमने सारा समस्या बताया, उन्होंने कहा ठीक है हमारी सरकार 1,000 बढ़ाए थे और सरकार कोई ध्यान नहीं दिया, हमने कहा नहीं सर सरकार ध्यान दे थी ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप सरकार 2018 में 1,000 रुपये बढ़ाया गया था सर, लेकिन हम लोग 1,000 बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला, 25 कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम मुख्यमंत्री से बात करके उसके बाद इसको विचार किया जाएगा, तो आज तक विचार ही हो रहा है। इस जब नहीं कुछ हुआ, आज 2 महीना पहले मुख्य मुलाकात हुआ था, जब नहीं कुछ हुआ तब फिर हम लोग यहाँ पर गार्डन में आए हैं और यहाँ कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लो अगर सरकार ने आपकी मंशा पूरी नहीं की, चुनाव तो बहुत करीब आ रहा है, तो श्रीमान भाई आप बता दीजिए फिर अब आगे की रणनीति आप क्या करने वाले हैं, चुनाव में क्या सरकार को सबक सिखाएंगे या फिर एक आंदोलन करें? देखिए अभी तो इंतजार करने का समय है, हम लोग इंतजार करते हैं और उस समय किसी को कहना नहीं पड़ेगा, सभी लोग अन खाते हैं, सभी लोग चलाक हैं, आज के जनरेशन चाहे जो भी है शिक्षित परिवार से चौकीदार लोग, तो उस समय कहना नहीं पड़ेगा, जो भी रिजल्ट लेना हो हम लोग 70,000 प्रहरी लेने का कार्य कर रहे हैं। ये तो आप लोग घर बैठे भी एक दूसरे से आपस में नेटवर्क बना करके अपने माहौल को तैयार कर सकते हैं कि आगे आपको किस तरह से सरकार से बात करनी है या जो भी करना है, क्योंकि मैं खुले मंच पे ये सब वार्ता नहीं कर सकता हूँ और साथ हमारे बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं कल के माहौल तो और आज क्या लगता है?
सब लोग मना कर रहे हैं। आप में विश्वास है चाचा का? हाँ बताइए, क्या कल के बारे में, आज तक के बारे में बताइए कैसा अनुभव? आज तक के बारे में मैं देख रहा हूँ यहाँ जो हमारे नेतृत्व करता है ये आपस में इधर उधर घूमने का काम कर रहे हैं, और इतने भी ग्राम प्रहरी जो आए हुए हैं इनके हक और अधिकार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बिना बताए हुए यहाँ से चले गए हम लोगों को, हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। जिस चीज का अगुआ नहीं रहेगा ग्राम प्रहरी साहब को सूचित किया जा रहा है एक जगह तो एक स्थान हो जाए। हमें उम्मीद लगता है कि हम लोग को फिर निराशा ही हाथ आएगी जो हमारा संघर्ष ठीक से नहीं हो रहा। हम बीच में आकर के 5 मिनट के अंदर आकर के बता रहे हैं क्या हुआ है, होने वाला लगता है नहीं होगा। अगर किसी को ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो रहा है तो अभी हाल में बता दिया कि कोई आ रहा है, देख लेते हैं अगर शायद कोई महानुभव नेता कोई आ गया या आ जाता है, इन लोगों की समस्या सुन लेता है तो ये सब बहुत अच्छी बात, और नहीं आता है तो फिर उम्मीद नहीं की जा सकती है, फिर उसके बाद धरना स्थगित करेंगे सब लोग ना जी। सभी लोग मतलब अपने अपने घर जा सकते हैं, होगा ही, क्या करेंगे जब नहीं कुछ होगा। अरे तो अभी आप लोगों ने जो भी है, मैंने सभी लोगों से बात करके आपको सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया है कि कल से लेके आज तक का क्या माहौल रहा, किस तरह का रहा, सबने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तमाम हमारे ग्राम प्रहरी बंधु आधे से ज़्यादा तो बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि वो कुछ करने की एक लालसा लेकर के निकले थे, लेकिन यहाँ कुछ कारण के पास उन्हें रोका गया है तो रुके हुए हैं। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौकीदार भाइयों, चौकीदार भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं कुछ क्षणों के बीच आपके बीच में नहीं रहा। उस काम के लिए हम लोग मंत्री जी के यहाँ, परिवहन मंत्री जी के यहाँ गए थे, और उनके माध्यम से, क्योंकि गृह सचिव नहीं है, गृह सचिव मुख्य सचिव दोनों का कार्यभार देखते हैं, इस समय जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है अयोध्या गए हुए हैं, अयोध्या। तो उसके कारण जब मैंने देखा कि वहाँ काम नहीं हो रहा है तो हम लोग वहाँ गए स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर जी के पास, जो प्रधानमंत्री हैं। दयाशंकर जी को अपनी आपकी बातों को अपने ढंग से जैसा हो सका बहुत मतलब विनम्र निवेदन के साथ किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आप मांग रख रहे हैं ये मांग बहुत बड़ी है, इसको हम कैसे पूरा करेंगे, ऐसा कुछ करिए जो हम पूरा कर सकें। तो हमने उनको कहा कि महोदय निश्चित है कि ये मांग जो है थोड़ा सा आपको बड़ी लग रही है, लेकिन हमारे चौकीदार बहुत गरीब हैं। उन्होंने पूछा कि चौकीदारों की संख्या क्या है, हमने कहा उत्तर प्रदेश में जितने राजस्व गाँव हैं सब में तैनात हमारे चौकीदार हैं, लगभग इनकी संख्या 70,000 है। तो कहें कि इस तरीके से चतुर्भर कर्मचारी तो नहीं कर सकते, आप कुछ और बताइए। तो हमने कहा जब आप चतुर्भर कर्मचारी नहीं कर सकते हैं तो महोदय आज की जो दैनिक मजदूरी है मनरेगा की उसको तो कम से कम पूरा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मजदूरी को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मंगवाने का काम करेंगे, यानी कि 10,500 10,000 रुपए। इलेक्शन से पहले हमारा काम होगा, अगर नहीं होगा तो उनकी ही घेराव हम लोग करेंगे। मतलब ये उम्मीद है कि जैसे मान लो अभी फिलहाल में जिस हिसाब से बातों से ये लग रहा है कि जिस हिसाब से लोग अपना दाल में नमक डालते उतना वो दे सकते हैं उनके बातों के हिसाब से ना, वो अपने खुद ही कहें दाल में नमक अपना आप लोग मांगे। हाँ 2500 कम है आपका, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उतना नहीं पाओगे जितना मांग रहे हो, थोड़ा बहुत आप लोगों को मिल जाएगा और जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन पिछली बार जितना दिया तो उतना अनुमान है नहीं, उससे ऊपर का अरमान है, लगभग 10,500 का अरमान है। अच्छा अच्छा, अरमान तो 10,500 का है, लेकिन ना उनके बातों से ही कि परिवार को बाल बच्चों को अपने जिला खिला सकते, वही खुद स्वयं कहें। लेकिन यहाँ बहुत लोग परेशान थे, बोले कि सबके सब गायब हैं, तो मैं वही जानने का प्रयास किया, मैंने कहा आप जैसे ही मिलोगे मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये सुबह मतलब कितने बजे से आप गए थे और अभी शाम तक मतलब लगा? हम लगभग यहाँ से गए हैं 11:30 से हम गए, 11:30 से 3:30 तक हम लोग बैठे रह गए। वो जैसे हम लोग पहुँचे तैसे उठ के चले गए नहाने के लिए, नहा के जब निकले हैं निकलने लगे तभी हम लोगों से जाके अपने उत्थु में गार्डन में मिले हैं, पूरे हम लोगों को बोलिए हैं
हमारे पास वीडियो भी है। आप कोशिश अगर करना तो मुझे फोटो वगैरह छोटा सा कर दीजिए, अभी मान कर पाओगे मैं चला दूंगा, मैं वीडियो भी दे दूंगा। हमारे देवता दीन भैया थे, हमारे जग नारायण दादा जी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के वहाँ तो आप भी थे साथ में, पूजा जी थी साथ में हमारे, हमारे वेदांति भी थी, और तभी 10 लोग थे, अर्जुन यादव थे धनघटा से, उन्हीं 10 लोग हमारे, मुजफ्फरनगर से भी थे, सीतापुर से राम कृपाल जी थे, सभी लोग के साथ में वार्ता हुई, कोई चोरी चरणाली बात नहीं। लेकिन किन पर सप्ताह में एक बार इस हेल्पलाइन की मांग है तो हम अपने चैनल पर इसको प्रसारित करेंगे, ये हमारा वादा। इसके अलावा भी अन्य चैनलों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, क्योंकि ये हमारे विभाग के लिए सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि इससे कई परिवारों की जानें बच सकती हैं, जो लोग जिनका नाम खोल दिया जाता तो कई बार उनकी इतनी दुश्मनी हो जाती है कि लोग रात बिरात मार तक देते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। एक ये गमछा है, मारने के बाद इस गमछे को अगर फेंक देंगे तो ये आम इंसान हो जाएंगे, पहचान भी नहीं पता चल पाती कि चौकीदार मारा गया है, यही सत्यता है। आप गए थे, आपको क्या लगा? हमको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सर से बात हुई है, सर बताया है जो उम्मीद हम लोग लेकर के आए हैं वो उम्मीद पूरा होगा, और सर जितना के लिए बोले हैं उतना चाचा जी बताए हुए हैं, और बोले हैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हम आपका चुनाव के पहले ही 1.5 महीने के अंदर आप लोग का वेतन बढ़ जाएगा। क्या बात है, मैं आपको फाइनली एक बात ये कहूँगा कि 1.5 महीने का समय जो दिया गया है, आप लोग धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें। बाकी अशोक जी ने कह दिया है कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो ये जाकर के फिर उसके ऊपर जो भी इन लोगों को करना है वो करेंगे, लेकिन 1.5 महीने आप लोग शांति बनाए, उम्मीद करते हैं कि वेतन घेराव हो सकती है। मंत्री जी का खुद ही हम घेराव करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरा कर रहे हैं, वो जैसे आश्वासन दिए हैं उनके आश्वासन पर हम धरना समाप्त किए हैं, अगर आश्वासन नहीं दिए होते धरना हम समाप्त नहीं करते, अगर आश्वासन दिया तो धरना समाप्त किए हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है तो उनका ही बंगला हम खराब करें। अरे उन्होंने अपने मुंह से कहा है, उन्होंने अपने मुंह से कहा जो आपकी मांग है ये ज़्यादा है, ऐसा कुछ कहिए जो हम पूरा कर सकें, तो उस कड़ी में हमने कहा है कि जो हमारे जो है दैनिक मजदूर हैं, अकुशल मजदूर, उनको भी गवर्नमेंट द्वारा 350 रुपये की मजदूरी निर्धारित की गई है। लेकिन ऐसा तो पहली बार किसी नेता ने कहा कि थोड़ा कम कीजिए, एकदम खुलकर कहे, उन्होंने अपने दिल की बात कही तो मैंने भी अपने दिल से ये सोचा कि वास्तविक मंत्री जी चतुर्भुज कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, ये विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन है हमारा, आप भी कहे, और गृह सचिव भी इस समय नहीं थे क्योंकि ये मतलब साथ में गए थे उनके, मुख्यमंत्री जी के साथ में जो प्रमुख सचिव हैं वो भी उनके साथ है, प्रमुख सचिव और ये गृह सचिव दोनों विभाग देख रहे हैं।